हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, आज है डे 5 ऑफ मेकिंग व्लॉग फॉर 30 डेज, मतलब कि 30 डेज 30 व्लॉग चैलेंज का आज है डे 5। और आप सभी जैसा कि जान सकते हैं, आज है संडे और संडे को हमारे चैनल पे स्पेशल व्लॉग बनता है। बट इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रहा है कि संडे को हम निकल ही नहीं पाएंगे कहीं, तो स्पेशल व्लॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। और मे भी कल हम लोग कहीं जा सकते हैं क्योंकि कल राम मंदिर का वो है उद्घाटन, तो इसलिए हम लोग भी कहीं मंदिर वगैरह जा सकते हैं। तो मे भी आज जो स्पेशल ब्लॉग है वो कल बन सकता है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए और ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडी में हम बस दो ही चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक तो घर, ऊपर से गर्मी, मतलब गर्मी का सीज़न। भाई साहब, घर को तो मिस कर रहे हैं कि वहाँ पे कंबल होता है मोटा तो आराम से हो जाता है, या इतना पतला कंबल है कि गर्म ही नहीं हो पाता है। बाकी गर्मी को तो इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। दिन भर बस यही सोच रहे हैं कि बस और कुछ दिन फिर तो गर्मी आने ही वाला है, फिर गर्मी आने वाला है, गर्मी में कितना अच्छा होता है। तो दिन भर यही सोच रहे हैं। बाकी ठीक है गाइस, अभी बैठते हैं, अभी पिछला वीडियो एडिट करना है और फिर चला जाएगा नीचे। आज संडे है तो आज 12 बजे खाना मिलता है, मतलब कि आज 12 ही बजे नाश्ता मिलता है, तो वो भी कर लेंगे। अभी तो वैसे 10 बज रहा है। चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। तो भाई लोग, अब हम लोग चल रहे हैं नीचे खाना खाने। वैसे 12 बज चुका है, तो अफसोस की बात ये है कि हमको खाना ही नहीं मिला, सबसे अच्छी बात है ये। भाई लोग, ये देख सकते हो आज हुआ है धूप। वैसे धूप में भी इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि ठंडा लग रहा है यार। हम सोचे थे यहाँ खड़े होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, इसलिए अंदर जाओ, अपना अंदर ही सबसे सेफेस्ट एरिया ऑफ ठंडी। ये गाना कहाँ से आ रहा है आवाज़? अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल है ना, उधर अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, तो उन सब जगहों से दूर रहना चाहिए। यही गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ से गाने का आवाज़ आ रहा था तो वो गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ ये सब होते रहता है। चलो, हम लोग सोचे थे कि हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे खड़े होंगे, धूप उगा इसलिए, बट इतना ज़्यादा हवा बह रहा है कि अब अंदर जाना ही सही रहेगा। बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है, लग रहा है भगवान जी भी 2 मिनट का खुशी हमारा बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है, आज आपकी बारी। क्या बोला तूने? ठीक है भगवान जी, ये देख सकते कितना ज़्यादा कोहरा हुआ है, धूप हुआ है, फिर भी हवा चल रहा है, भाग अंदर ही चलो साहब। तो भाई लोग, ये देख सकते हो शाम का टाइम हो गया और हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने। वैसे आज है संडे तो आज मिलेगा हम लोग का छोला समोसा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है फूड यहाँ का, क्योंकि समोसा अच्छा लग रहा है। आज देख लो, समोसा भले ही समोसा के शेप में नहीं है लेकिन उसका टेस्ट उसे बता रहा है कि वो समोसा है, लेकिन उसका शेप तो कुछ और ही बता रहा है। खैर, उतरे थे हम लोग तो थोड़ा कैंटीन भी घूम लिया जाए, क्योंकि पड़े पड़े रूम में उस चार दीवारी को देखते देखते हम भी अब थक चुके थे, तो हमने सोचा कि कहीं बाहर का कुछ देख लिया जाए। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कॉलेज और यहाँ पे देख लेते हो, आंटी जी बर्तन धुल रही हैं इतनी ठंड में। सैल्यूट है भाई आपको, क्योंकि हम जैसे नाकारा लोग तो काम भी नहीं कर पाते। और कैंटीन आ गए, कैंटीन से भी खा के अब चल दिया हॉस्टल, क्योंकि करेंगे ही क्या, इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा है कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्या ही बताएं कितना ज़्यादा है ठंडी। इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त है, घर में रहें, सिक्योर रहें, सेफ रहें, आराम। भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं नाश्ता वगैरह करके और आज संडे था तो आज था मतलब छोला समोसा था। वैसे सिर्फ हम लोग समोसा ही खाएं क्योंकि छोला यहाँ का काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, और समोसा आज का A1 क्वालिटी का था, मतलब काफ़ी बढ़िया था समोसा। आज समोसा काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर उतर ही गए थे, सुबह से उतरे नहीं थे, उतर गए थे थोड़ा कैंटीन भी घूम लिए, क्योंकि कहीं तो 2 दिन से गए ही नहीं ना, तो थोड़ा कैंटीन भी चले गए। बाकी आज का दिन भर ऐसे ही पड़े पड़े आज का दिन भी गुजर गया, और मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम ही नहीं है कुछ। और यही अगर 1 महीने 2 महीने बाद की बात देखा जाए तो हर संडे को लिखना पड़ेगा TA PA। अभी थोड़ा आराम है, अभी 1 महीने बाद फिर वही होने वाला है, TA PA लिखो, फिर सबमिट करो, ये करो वो करो, और मई तक तो पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, मई तक सेमेस्टर ही ख़त्म हो जाएगा। खैर, यहाँ ठंड इस समय बहुत ज़्यादा, भाई लोग ठंड आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बट उमर भाई बता रहे हैं कि हम लोग का और 10-15 दिन ही ठंडी पड़ेगा, तो देखा जाए उमर भाई के हिसाब से, अगर उस 10-15 दिन के बाद भी ठंडी पड़ता है तब इनका क्या होगा, बस यही जानते हैं। ये तो बोला है कि खिचड़ी के 15 दिन बाद 15 दिन तक ठंडी पड़ता है, तो खिचड़ी बीता है 15 को,
और 30 तक, अगर 31 तारीख को भी ठंडी पड़ा तब क्या होगा उनका, वही जानते हैं। हम लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं। और कल 22 तारीख है, यानी कल नहाना पड़ेगा, इसलिए अपना कपड़ा वपड़ा सब तैयार हो गया है। प्रेस करना पड़ा है भाई, सूख नहीं रहा है तो प्रेस करना पड़ा है। और अब फिर धो लेंगे, फिर 5 दिन लगेगा सूखने में। खैर अभी तो खाना चला जाएगा नीचे, तब देखा जाए क्या क्या होता है। तो भाई लोग ये हम लोग के रात का खाना, गुलाब जामुन और पनीर वनीर। तो भाई लोग हम लोग खा पी के आ चुके हैं नीचे से। बाकी आज संडे था तो आज तो आप लोग जानते ही, आज स्पेशल खाना था तो पनीर वनीर था। बाकी पनीर तो कितना कम क्वांटिटी में मिलता है यहाँ पे, आप सभी जानते ही हैं। और असल में 9 बजे ये लोग नीचे बुलाए थे लोग, पता नहीं किस लिए, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अब कौन वहाँ पे जाए ठंडी में। एक तो ठंडा ही इतना लग रहा है भाई कि कोई कहना ही नहीं है इस ठंडी के। कोई ठंडी एकदम तोड़ फोड़ के ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और खासकर इस साल मुझे बचपन से लेकर अभी तक इस साल सबसे ज़्यादा ठंडी हिट कर रही है, क्योंकि इस साल बाहर रह रहे हैं तो वो घर पे क्या है, इतना मोटा मोटा कंबल मिल गया, आराम से अपना सो जाओ। खाना पीना कहाँ है तो जाके बगल वाले रूम में खा लो। यहाँ पे खाने के लिए 6 फ्लोर नीचे उतरना पड़ता है और कंबल भी पतला है, क्योंकि कितना मोटा तुम घर से लेके आ पाओगे भाई। हमको असल में एक कंबल ले आना था लेकिन सामान ज़्यादा हो गया इसलिए हम कंबल नहीं लेते ले आ पाए। खैर यही सब दिक्कत है, क्या बताएं कितनी सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। इसीलिए मेरे हिसाब से जो कोई भी घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है अपना, वही करो भाई। पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तभी निकलना, वरना ऐसे मत निकल जाना। तो ऐसे निकल जाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के, कहीं के नहीं रह जाओगे ना, मेरी तरह हाल हो जाएगी। इसीलिए अपना घर पे हो तो घर पे रहो, और जहाँ पे हो मौज करो भाई, जिंदगी बहुत छोटी सी है, इंजॉय कर लो पूरा। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, बाय बाय गाइस। और हाँ कल वैसे राम मंदिर का वो हो रहा है ना, तो इसमें हॉस्टल वॉस्टल में भी कुछ होने वाला है। खैर वो तो अब कल ही पता चलेगा क्या होने वाला है, देख लिया जाएगा कल भी क्या हो रहा है होने भी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। हेलो गाइस। अरे हाँ भाई आप शर्मा गई क्या? आज भाई हाँ सर आई घर पे बात करना जरूरी होता है। हाँ भाई वो डेली जरूरी, डेली जरूरी होता है, वही तो एक अच्छी बात है, बस वही एक अच्छी बात है, बाकी सब तो। खैर आज का पनीर देख के, आज का पनीर ही कहाँ था, उतने दिन तो पनीर देते हैं लोग, क्या बताएं भाई क्या कर सकते हैं, सर्दी का टाइम। कल वैसे कल नहा लेना भाई, तुम भी भाई मेरा तो बहुत जरूरी है। मेरा तो जरूरी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।